जय श्री राम। आज का विषय है प्रणाम का महत्व। प्रतिदिन प्रातःकाल अपने मूर्तिमान ईश्वर माता पिता और गुरु को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करना एक कल्प वृक्ष के समान है, कामधेनु के समान है, जो मांगो उसको प्राप्त होता है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशील, शीलता से अभिवादन करें, नित्यम रोज करें, नित्यम वृद्धोपसेविनः, वृद्धों को सेवा भी करें, तो क्या प्राप्त होता है? इससे चार चीज प्राप्त होती है, आयुर्विद्या यशो बलम्। ये प्रत्यक्ष लाभ है। और प्रणाम कैसे करें? विधि यह है कि हमारे झुक करके विनम्रता पूर्वक हमारा दाहिना हाथ हमारे माता पिता हैं उनके दाहिने पैर पर और बायां हाथ उनके बाएं पैर पर झुक करके प्रणाम करें। उनका जो वरद हस्त है हमारे सिर पर हो, क्योंकि बालों में जो चुंबकीय शक्ति होती है, विद्युत आकर्षण होता है, ये आज का विज्ञान भी इसको मानता है। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो सिर से होकर के चरणों तक जाती है, पैरों तक जाती है। बालों के द्वारा जब हमारे पूज्य हमारे सिर पर हाथ रखते हैं तो वह ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, उनकी ऊर्जा, और इधर पैरों में जो चरण स्पर्श करते हैं तो वहाँ से भी हमको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये बड़ा रहस्यमय बात है जो कि हजारों वर्षों पूर्व हमारे पूर्वजों ने इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसे निभाया और चला आ रहा है। तो नित्य हमको माता पिता के प्रणाम करना चाहिए, पर प्रणाम करने के समय भी बताए गए हैं कि प्रणाम कब कब करें। एक तो प्रातःकाल करें, एक शयन समय ये शाम को, अथवा जैसे विवाह का आयोजन है, यज्ञोपवीत का आयोजन है, यज्ञ वगैरह है, तो उसके पश्चात भी अपने ज्येष्ठ को प्रणाम करने का महत्व है। इस प्रकार से प्रणाम करने से हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं और हमारे आयु दीर्घ होती है, हमारा तेज बढ़ता है, सब सुख शांति और नाना प्रकार के हमारे जो भी कामनाएं हैं वो भी पूर्ण होती हैं। इसलिए नित्य अपने वृद्धों को अवश्य प्रणाम करें। जय श्री राम।